ये सामने एक और लेक, ये है सात ताल की लेक, यहाँ भीमताल की लेक, और क्या मस्त यहाँ पे बोटिंग हो रही है। डार्क है यार, ओ भाई गॉड यार, डर लग रहा, डर तो नहीं लग रहा तुझे? हाय गाइस, दिस इज मी सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। हूँ मैं नैना लेक के सामने। जिनको नहीं पता कि नैना लेक कहाँ है, उनके लिए बता दो गाइस, ये है नैनीताल की नैना लेक। तो गाइस आपको दिखाई दे रही होगी, ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा भी दिखाई दे रहा है गाइस, और वो है चाइना पीक। तो गाइस आज मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ नैनीताल के अराउंड तीन चार झीलें, चार पांच झीलें हैं, मतलब वो झीलें से आपको घुमाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में रहिए, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस चलते हैं और आपको दिखाता हूँ नैनीताल के कुछ बेहतरीन पल, जो आप लोग नैनीताल में कभी भी ट्रैवल करते हैं तो आप लोग इन को भी अपने पैकेज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो गाइस अभी आ चुका हूँ बाइक पे, एंजॉय सिनेमैटिक्स। है अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो। भवाली नैनीताल से 12 से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, एंड वहाँ से सात ताल अप्रोक्सीमेट 6-7 किलोमीटर और होगा, समथिंग मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है, तो पहाड़ों की रोड ना वैसे भी काफ़ी कर्वी होती है, तो ये 10-11 किलोमीटर भी ना, मतलब 15 आधा घंटा मान के चलो गाइस, इतना टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पे भाई साहब क्या मस्त स्कूटी लगा रहे हैं, मतलब हमको ओवरटेक करके जाएंगे भाई साहब, वाह वाह क्या बात है। तो अभी मैं पहुंच गया हूं भवाली, और यहां से सात ताल है समथिंग 12 से 13 किलोमीटर दूर, तो वो मुझे अभी पता चला। और वहां से गाइस भीमताल होगा समथिंग 3-4 किलोमीटर वहां से होगा भीमताल, और नकुचिया ताल भीमताल से 4-5 किलोमीटर। तो आपको तीनों लेक ना एकदम बढ़िया, नैनीताल, सात ताल और नकुचिया ताल और भीमताल, मतलब चार लेक हो गए गाइस, काफ़ी मस्त लेक हैं और काफ़ी अच्छी जगहों पर है, मतलब कसम से आपको मज़ा आ जाएगा। आप नैनीताल के टूर में कभी आते हैं ना, तो इन लेकों का भ्रमण भी एक बार कर लें, ये आपके बजट में फिट रहेंगे, और आपका अराउंड फ्यूल लगेगा 500 रुपीज़ का, बाइक में तो और भी कम का लगेगा, बट अगर आप फोर व्हीलर से आते हैं तो आपका फ्यूल 500 रुपीज़ तक का चार्ज होगा। और देख सकते हैं आप, ये है भवाली की मार्केट। तो अगर आप लोग सात ताल को जाना चाहते हैं ना, तो भवाली से आप लोग सीधे भीमताल वाले रोड पे आना, एंड आपको बहुत बड़ा सा बोर्ड मिलेगा ग्राफिक एरा भीमताल कैंपस, तो यहाँ से आपको यू टर्न लेना है, मतलब राइट को मुड़ना है यहाँ से। तो भाई अब मैं भी मुड़ता हूँ राइट का इंडिकेटर देते हुए और स्लो करके। तो गाइस यहाँ से होता है हमारा सात ताल का ट्रिप स्टार्ट। तो एंड सॉरी फॉर दिस गाइस, यहाँ पे एक ताल और है यार, एक्चुअली मैं उसे भूल गया था, मुझे ध्यान ही नहीं था। तो यहाँ पे ना एक दमयंती ताल करके भी है, तो वो भी दिखाऊंगा। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास हो गई है 5 लेक्स, तो यहाँ पे आपको 5 लेक मिलेगी नैनीताल के अराउंड, मतलब 20 से 25 किलोमीटर के अराउंड आपको 5 लेक यहाँ पे देखने को मिलेगी, नैनीताल, भीमताल, नकुचिया ताल, सात ताल एंड दमयंती ताल। तो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो हम देंगे दमयंती ताल पे, क्योंकि दमयंती ताल सबसे नजदीक पे है यहाँ पे। तो अभी मैं दमयंती ताल वाले रास्ते पर हूँ, और रास्ता पक्का नहीं है, केवल सीसी मार्ग टाइप में है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे है एक दमयंती ताल करके शायद एक जगह। सो गाइस ये है दमयंती ताल, ये तो आर्टिफिशियल है यार, मैंने सोचा ये नेचुरल होगी बट ये आर्टिफिशियल है। तो चलते हैं और आपको मिलते हैं सीधे सात ताल पे ही। तो मैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि यार एक और मेरे सामने एक और लेक, और गाइस ये तो ना पूरे जंगलों से घिरी पड़ी है, मतलब यहाँ जाने का सारा रास्ता हो पता नहीं ना हो, तो देखते हैं अभी ट्राई करते हैं, अगर होगा तो गाइस ये वाली लेक भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं यार, मतलब सात ताल ऐसे ही नहीं पड़ा इसका नाम, यहाँ पे ना बहुत सारी लेक्स है, 7 लेक्स तो कम से कम होंगी। और मुझे अभी ना उस लेक में जाने का रास्ता मिल चुका है, अगर आप लोग सात ताल आते हैं तो सात ताल से पहले आपको ऐसी एक जगह मिलेगी, जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ से ना अंदर जाने का रास्ता है, और यहाँ गाड़ी ले जाना मना है, तो गाड़ी को यहाँ पर पार्क करके मैं जाता हूँ आपको वो वाली लेक दिखाने जो मैंने आपको ऊपर रोड से दिखाई थी। तो थोड़ा सा पैदल वॉक है यहाँ से। तो फाइनली ये रही वो लेक, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ।
तो ये देख सकते हैं, और ये नेचुरल लेक है। एंड सात ताल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गाइस यहाँ पे ऐसी ना आपको कई प्रकार के लेक्स मिलेंगी, और अभी मतलब सच में मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे कितने ज़्यादा लेक्स है। और ये देख सकते हैं क्या मस्त पहाड़ों की गोद में एकदम नैनीताल की जैसी एक लेक, प्यारी सी सुंदर। और काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं बिकॉज ना इस लेक का सौंदर्यकरण और इसका ना पर्यटक दृष्टि से इसका अभी कुछ इस दिन में ना काफ़ी ज़्यादा लोग डूब चुके थे, तो यहाँ पे आप तैरने का प्रयास ना करें ऐसा निर्देश उन्होंने सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो अगर आप अच्छे स्विमर हैं तो ट्राई कर सकते हैं, अगर आप लोगों को हल्की फुल्की स्विमिंग आती है तो आप लोग इसमें ट्राई बिल्कुल मत करना क्योंकि ये काफ़ी गहरी है, और बचाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल कोई भी नहीं आता। सो गाइस सुनसान जगह है, अगर आप लोग कभी भी यहाँ पर आते हैं तो दिन के टाइम पर आना। और तो फाइनली वहाँ से आ चुका हूँ उस लेक से, और काफ़ी शांत और काफ़ी सुंदर लेक थी यार। और अभी मैं जा रहा हूँ सात ताल, तो सात ताल यहाँ से बस चंद कदमों की दूरी पर है, यूँ मान के चलो 200-300 किलोमीटर मतलब दिखाई देने लग गया है मुझे यहाँ से, बट पेड़ों के बीच में ना कैमरे में दिखाई देगा वो। अभी मैं हूँ सात ताल पे, और देख सकते हैं आप ये है सात ताल की लेक, क्या मस्त है यार गाइस। पहाड़ों में देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक पहाड़ों से एकदम मस्त घिरी हुई है, और यहाँ पे आपको बोटिंग वोटिंग से लेकर काफ़ी एडवेंचर भी है। एंड यहाँ पे जिप लाइन भी है गाइस, ये वायर दिखाई दे रही है ना आपको, वायर ये वाली ये जिप लाइन है गाइस, और यहाँ पे जिप लाइन भी कराई जाती है, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जिप लाइन कर सकूँ। और क्या मस्त बाइक है गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने के लिए, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप लोग मस्त ऑफ रोड भी कर सकते हो लेक के किनारे, यहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग वाली जगह है, और यहाँ पे आप मस्त गाइस इन बाइकों से धूम मचाने वाला सीन क्रिएट कर सकते हो इस लेक के जस्ट बगल बगल पे। और कितनी शांति है गाइस यहाँ पे, कसम से फुल पैसा वसूल है गाइस, अगर आप लोग इन जगहों पर आएंगे तो आपको गारंटी के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आपका फुल पैसा वसूल है। आ चुका हूँ भीमताल, और सामने रही है भीमताल की लेक मस्त, और ये रही गाइस भीमताल की माल रोड, बोले तो माल रोड गाइस। और यहाँ आपको लेक के साथ जैसे नैनीताल में आपको लेक के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलता है ना, वैसे ये भी है गाइस भीमताल की लेक मस्त, देख सकते हो आप मैं लेक के बगल बगल पे चल रहा हूँ, और क्या मस्त फीलिंग आ रही है यार। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है अब है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप भीमताल की लेक, और क्या मस्त यहाँ पे बोटिंग हो रही है, एंड सामने है गाइस एक्वेरियम। एंड लास्ट टाइम गाइस मैंने यहाँ पे बोटिंग करी थी तो उसका ऊपर आई बटन में लिंक आ गया, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे हम लोगों ने मस्त यहाँ पे बोटिंग करी थी। और आज तो गाइस मैं एक्वेरियम जा नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे जाने का चार्ज लगता है, बट आज तुम्हारा भाई बिल्कुल भी मतलब मनी लेस है, मतलब भाई के पास मनी नहीं है आजकल, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, और नेक्स्ट टाइम बनाएंगे गाइस यहाँ एक्वेरियम का ट्रिप। एंड फिलहाल तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मस्त यहाँ पे बोटिंग हो रही है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी रश हो रहा है यहाँ पे, और अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है ना, तो लोग पहाड़ों की ओर काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में संख्या में देख सकते हैं पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पे, और मस्त यहाँ पे भीमताल की लेक में मस्त नौका विहार हो रहा है यहाँ से। और हजारों में अब की कमी जरा है, हर चीज खास है अब है। तो गाइस अभी पहुंच गया हूँ ताऊजी लोगों के घर पे, तो मुझे जाना है यहाँ पे, तो ये है ताऊजी लोगों का घर, तो यहाँ चलते हैं फटाफट, एंड उसके बाद चलेंगे नुकुचताल, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं क्योंकि गाइस धूप में हो गई है हालत खराब, एंड उसके बाद चलते हैं नुकुचताल। अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और मेरे साथ आ रही मेरी बहन खुशबू, तो खुशबू के साथ आज नौकुचताल की ट्रिप करते हैं, चल बैठ जा फिर। तो कल जब मैं पैराग्लाइडिंग करने आया था ना यहाँ पे लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो इस जगह पे मेरी लैंडिंग हुई थी यहाँ पे, और माय गॉड बस कितना धुआं करते हुए आ रही है, धुआं नहीं गाइस ये धूल है, ओए होए 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 कितनी सारी धूल है यार, कसम से रोडों की तो हालत ख़राब है यहाँ पर। और वो है गाइस यहाँ का भक्ति धाम टेम्पल, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये देख सकते हो बजरंग बली, वाओ कितनी बड़ी मूर्ति है गाइस, मैंने तो पहली बार देखी है यार,
और दिनों हम लोग ऊपर नीचे जाते समय यहाँ पर रुकते नहीं थे, बट आज मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। और देखा तो बजरंगबली साक्षात यहाँ पर कितने बड़े खड़े हैं यार। जय के अंदर विजिट करते हैं और देख सकते हैं हम एक गुफा नुमा रास्ते से होते हुए नीचे को जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे गुफा में प्रसाद चढ़ाना मना लिखा है यहाँ पे। गुफा कितनी खतरनाक है यार ये देख सकते हो आप गुफा। ओह माय गॉड यार, मैं पहली बार जा रहा हूँ और अच्छा लग रहा है काफ़ी। मतलब सुबह सुबह यहाँ पे आके ना दिल एकदम शांत जैसा हो गया है। और ये देख सकते हो यहाँ से परिक्रमा मार्ग। अरे हैंगर, ओह माय गॉड गाइस, अभी हम लोग ऐसे डार्क अंधेरे में वाली वो जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर आगे कुछ दिख ही नहीं रहा यार। अरे यार टॉर्च चलाना पड़ेगा भाई। तो गाइस अभी टॉर्च चला के देख सकते हो, टॉर्च चलाया हमने और टॉर्च चलाया यार। ओह माय गॉड यार, डर लग रहा, डर तो नहीं लग रहा तुझे? स्ट्रॉन्ग है तो हाँ, अंधेरे से डर रहना चाहिए। तो जिसको अंधेरे से डर लगता है ना उसके लिए नहीं है। और हम एक परिक्रमा करके पूरी आ चुके हैं यहाँ पे। और ये तो ये मंदिर है, ये अभी हम लोग आ चुके हैं हनुमान टेम्पल से और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से नकुचिया ताल की ओर। तो मिलते हैं आपको सीधे वहीं पे। हम लोग पहुंच चुके हैं नकुचिया ताल। तो ये रहे गाइस नकुचिया ताल। तो गाइस ये है नकुचिया ताल। आई थिंक आपको ये लेक पसंद आया होगी। पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको ये लेक कैसी लगी। और लास्ट टाइम पे हम जब मैं KTM संडे राइड पे यहाँ पे आया था तो तब आपको दिखाई थी, एंड सेकंड टाइम आज आया हूँ यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। और कैसा लगा तुझे यहाँ नकुचिया ताल? तो अच्छा, खूब घूमे यार ऐसे हम, और वहाँ पे जी के दर्शन करें, काफ़ी अच्छा लगा। तो फाइनली घर पे पहुंच गया हूँ। आई थिंक आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आपको ये लेक की सीरीज़ पसंद आई होगी। मिलता आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी।